पेनीवाइज, क्या आप इट को जानते हैं? दोस्तों, 2017 में इट फिल्म रिलीज़ हुई थी, जिसमें पेनीवाइज नाम का एक क्लाउन यानी जोकर बच्चों को उठा ले जाता है और बाद में उन्हें खाकर 27 साल सो जाता है, यह दिखाया गया है। खैर, यह तो रही फिल्म की बात, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इट फिल्म में जो पेनीवाइज नाम का जोकर दिखाया गया है वो रियल इंसान से इंस्पायर्ड है? यह किस्सा है 1972 का, जब एक साइको सीरियल किलर बच्चों को लापता करके मार डाल रहा था। अमेरिका में एक आदमी जोकर का गेटअप पहनकर लोगों को मार रहा था। यह सिलसिला उस समय बेहद डरावना रुख ले रहा था। जॉन वेन गैसी, यह आदमी क्लाउन यानी जोकर का गेटअप पहनकर बच्चों को फुसला फैलाता था और बाद में उन्हें अगवा करता था। गाड़ी में डालकर वो उन्हें अनजान जगह पर ले जाता था। वहाँ पर वो उन्हें बेहद ही क्रूरता से मार डालता था। मार डालने के बाद वो अपने घर के आंगन में उन्हें गाड़ देता था। जॉन गैसी ने 1972 से 1978 तक यानी 6 साल तक तकरीबन 33 लोगों का मर्डर किया था, जिसमें ज़्यादातर बच्चे थे। बाद में जॉन को पुलिस ने कड़ी मुश्किलियत से पकड़ ही लिया। जब जॉन गैसी का मेंटल और फिजिकल टेस्ट हुआ, तब डॉक्टर्स ने जॉन को मेंटली अनस्टेबल यानी पागल बताया। यह किस्सा उस समय का सबसे खतरनाक सीरियल किलर इंसिडेंस बन गया। स्टीफन किंग, जो कि इट फिल्म के डायरेक्टर है, उन्होंने इस किस्से के बारे में एक आर्टिकल में पढ़ा था। बाद में उन्होंने जॉन गैसी के कैरेक्टर को हॉरर कैरेक्टर में बदल दिया। अब आप जो पेनीवाइज क्लाउन के बारे में इट चैप्टर 1 और इट चैप्टर 2 में देखा है, वह टोटली इमेजिनरी है। वैसा कोई भी दानव के बारे में अब तक तो नहीं घटा है। दोस्तों, आपको जॉन गैसी के बारे में और इट के पेनीवाइज के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, आप हमें नए एपिसोड के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन ओपन है। तब तक आप हमारे बाकी के 25 एपिसोड को एंजॉय करें। मिस्टीरियस रोज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही नए एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे मिस्टीरियस, स्टे सेफ।